रामदम थोड़े भाई भाई आज अपने खेत पे हैं, फार्म में अपने ये वो अपना अमरूद का पेड़ है और अपने इस पर वेस्ट डिकम्पोजर सब लगा था। 4 मंथ से लगा रहे हैं, 15 दिन आए, 15 दिन में एक बार इसने कम से कम अब की बार ये दूसरी बार फल आने लगा है। इस पर दूसरी बार फल लगा हुआ है और तीसरी बार इसका ये फ्लावरिंग चालू हो चुकी है। देखो एक साथ 4 फूल आए हुए हैं, साथ ही साथ फूल आ रहा है और साथ ही साथ फल बन रहा है। देखो वेस्ट डिकम्पोजर भाई सबसे बढ़िया रिजल्ट है मैंने कहीं देखा, इससे अच्छा। और ये मेरे अनार का पेड़ है, इस पे फूल तो बहुत आ रहा था पर फल नहीं बन पा था। देखो अभी की बात फल बनने लग रहा है और साथ में 3 फूल आया हुआ है। तीन चार दो, पहले एक दो आता था, अब की बात देखो क्या 4 फूल आ चुके हैं। मैंने इसमें और डाला था वेस्ट डिकम्पोजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट का सप्ता लगा था, ये अपना जैविक कीटनाशक है और NPK, ये अपना वेस्ट डिकम्पोजर है। मैंने इसमें लौकी डाल दी थी घिया मैं साथ ही साथ है। इनमें मेरा सारा मटेरियल माइक्रो न्यूट्रिएंट और आयरन बोलते हैं इसको, सुहागा गंधक और आयरन। जैसे मैंने इसमें नमक डाला था 20 kg में, 1 kg नमक डाल के इसको मैंने 21 दिन के लिए सील कर दिया। आपकी आयरन की और सल्फेट की कमी पूरी करता है, ये उसका गोल है। मैंने इसका जीरी में बासमती जीरी में इसका सब लगा है मैंने, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाता हूँ अभी आगे। ये अपनी ऑर्गेनिक जीरी है, इसमें मैंने नीचे हरी खाद थी इसकी खरबूजे की और फिर मैंने इसमें वेस्ट डिकम्पोज डाला है। मैंने स्टार्टिंग में इसमें 400-500 लीटर पानी के साथ एक बार दिया, 15 दिन में एक बार। और मैंने इस पर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे लगाया है 15 दिन में एक बार। और साथ में इसमें स्टार्टिंग में तेला आ गया था, जैसे बोलते हैं हरा मच्छर, धोला मच्छर, काला मच्छर। मैंने इसमें पहले अपना जैविक कीटनाशक डाला और इसमें फिर 16-17 दिन इसका असर रहा। फिर मैंने इसमें 100 ग्राम रीठा रीठा पाउडर आता है उसका बीज भी ले सकते हो और 2 लीटर आप लस्सी ले सकते हो, लस्सी या दही। 1 kg आप हल्दी ले ले, हल्दी लेने के बाद आप उसको मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद आप उसका 1 किलो की मात्रा के हिसाब से आप माप के डाले, जैसे आपके ने 8 टंकी मारनी है, 10 मारनी है, आप उस हिसाब से मारें। मेरे फसल में कोई बीमारी नहीं आई, स्टार्टिंग में 1-2 मच्छर था, अब की बार कोई मच्छर नहीं है। 3 एकड़ का प्लॉट अपना ये बासमती का। और ये 11-21 है, ये इसमें 20% केमिकल है और 80% ऑर्गेनिक है। पहले मुझे धरती बहवानी पड़ा थी ट्रैक्टर के साथ, कल्टीवेटर पावटेली के साथ, अब मुझे इसको बहवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो वेस्ट डिकम्पोजर का की वजह से कितनी फोकी माटी हो चुकी है। दो इंच वो दिया, अपना मल्टी लेयर फार्म है। अगर किसी भाई को हल्दी का बीज चाहिए और घिया का, मेरे पास उपलब्ध है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं नंबर डाल देता हूँ नीचे।
ये दोबारा बेल चालू हुई है, ये बीच में ये ऐसी हो गई थी। अब मैंने इसके क्या किया, मैंने इसके जो ये स्टार्टिंग है ना, इसको ऐसे तोड़ दिया है। तोड़ के मैंने इस पे वेस्ट डिकम्पोजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट का सप्ता लगाया है। अब देखो साथ में क्या क्या लगी हुई है अभी, और पास में ये आने लग रही है। और मैंने साथ में अदरक लगाया हुआ है 1 बीघा। मैं स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आई थी क्योंकि ऊपर से छन उड़ गई थी और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसमें फंगस लग गई थी। फंगस मैंने इसमें नीमाटोड और ट्राइकोडर्मा डाला, फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने इसमें एक टंकी में 20 लीटर टंकी में मैंने 100 ग्राम चूना डाला और साथ में 2 लीटर लस्सी। फिर इसका सप्ता लगा दिया मैंने। इसको आप जैसे आज अपने एक सप्ता लगा दिया, एक 3 बार 3 बार लगाना है ऐसे, 3 4 आपको सप्ता लगाना है। देखो ये कभी डैमेज हो गया था, फिर अभी ये